ये तो सर 1 एकड़ है, एक एकड़ में पूरा फेंसिंग है फार्म का जी, जिसमें 13,000 स्क्वायर फुट का कंस्ट्रक्टिव शेड है और बाकी ओपन एरिया है। अभी पिछले साल में हमने करीबन 100 के करीब बच्चे बेचे हैं जी, तो हमारा टर्नओवर करीबन 1.5 करोड़ तक हो जाता है, 25-1 लाख रुपए खर्चा आ जाता है मोटा मोटी, तो आप पकड़ के चलो 1 करोड़ से 1.25 करोड़ तक हमारे प्रॉफिट हो जाता है। ये ब्रीड की एक स्पेशलिटी ये है, इसको आप किसी भी टाइप का खाना दो, इसका FCR इतना बढ़िया है कि वो उसका जो भी खाना है उसको मीट में कन्वर्ट बहुत अच्छे तरीके से करता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं जिला सोलापुर महाराष्ट्र में MD गोट फार्म पर। यहाँ पर लक्ष्मण जी हैं जो पिछले 10 साल से फुल ब्लड अफ्रीकन बोर गोट पर काम कर रहे हैं। आज हम आपको ऐसे गोट दिखाएंगे शायद आपने आज तक अपनी जिंदगी में ना देखे हों। इस वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखनी है, और सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो भाई साहब, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दीजिए। नमस्कार जी, मेरा नाम लक्ष्मण टकले है। महाराष्ट्र के सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में पंढरपुर के नज़दीक हमारा ये फार्म है MD गोट फार्म। पिछले 10 साल से हम बकरी पालन कर रहे हैं। इससे पहले आप क्या करते थे और आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? सर, मैं पेशे से तो BE&TC इंजीनियर हूँ जी। पहले हम एजुकेशनल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग करते थे, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में प्रैक्टिकल के लिए लैब इक्विपमेंट लगते हैं वो हम 2001 से कर रहे हैं वो बिजनेस, अभी तक वो कंटिन्यू है, अभी वो मेरे भाई साहब के लड़के देखते हैं जी। ये बिजनेस में मैं 2013 में एंट्री किया जी। हमने सोचा कि अभी कुछ नया किया जाए, अलग किया जाए, जो सोसाइटी के लिए, किसानों के लिए फायदेमंद हो जी। तो वो नजरिया रख के हम बकरी पालन में आए हैं। तो 10 साल पहले जब आपने शुरुआत की थी, किस ब्रीड से शुरू किया था आपने? सर, 10 साल पहले जब ये शुरुआत की थी मैंने, तब मेरे पास सबसे पहले तो उस्मानाबादी, सोजत, सिरोही, बिटेल, बर्बरी, जमुनापारी, ये सब बकरियाँ थी। मल्टीपल ब्रीड से आपने शुरू किया था? 8 अलग अलग नस्ल की बकरियाँ थी, देसी बकरियाँ थी जी। तो आपका फुल ब्लड लाइन बोर गोट, जो अफ्रीकन बोर गोट आपने रखी हुई है, इसमें कैसे आना हुआ? सर, क्या था, जब फार्म चालू किया उस टाइम हमने इसमें थोड़ा सा रिसर्च किया, तो ये पता चला कि इंडियन ब्रीड में वेडगेन बहुत कम मिल रहा है जी। तो इसके लिए हमको ज़्यादा वेडगेन की ज़रूरत थी, तो इसके लिए हमको बोयर की ज़रूरत पड़ी। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बेस्ट वेडगेन के लिए ब्रीड है साउथ अफ्रीकन फुल ब्लड बोयर जी। तो हमने वो फुल ब्लड बॉयर को इंडिया में लाया और उससे हम ब्रीडिंग अभी करा रहे हैं। तो आपने इसके लिए कहाँ कहाँ धक्के खाए अफ्रीका तक जाने के लिए? सर, पहले तो सर हम हमारे करीबी देश पे गए, नेपाल गए, बांग्लादेश गए, थाईलैंड गए, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया घुमाओ, फिर नेपाल, फिर साउथ अफ्रीका भी गया हूँ। वहाँ पे विजिट करके सब एनिमल देख के, उसमें से फिर वो अलग अलग ब्रीडर के फार्म को विजिट करके, वहाँ पे एक्चुअली फार्मिंग कैसे होता है, वहाँ पे ब्रीड कैसे डेवलप हो रही है, वहाँ पे छोटे बच्चे कैसे हैं, बड़े एडल्ट एनिमल कैसे हैं, वो फीडिंग पैटर्न क्या है, उनका मैनेजमेंट क्या है, ये सब हमने सीखा सर जी। वो सब सीख के फिर 2017 में हमने फाइनली ये एनिमल हमारे फार्म पे लाए। कितने बोर गोट से आपने शुरुआत की थी जब आपने इस फुल ब्लड लाइन पे काम शुरू किया? सर, पहले मेरे पास तो इंडियन ब्रीड थी, उसके बाद में जब फुल ब्लड लाइन वाली आई तो सबसे पहले मैंने 25 फीमेल लाई और 5 मेल लाए थे जी, उससे हमने शुरुआत की। अभी तक आज के तारीख में मेरे पास फार्म पे 125 के करीब एनिमल है। अच्छा, फुल ब्लड लाइन के जी। अच्छा, देखो ये आपका फार्म काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है, कितना लैंड एरिया पे बना हुआ आपका ये फार्म? तो सर 1 एकड़ है, एक एकड़ में पूरा फेंसिंग है फार्म का जी, जिसमें 13,000 स्क्वायर फुट का कंस्ट्रक्टिव शेड है और बाकी ओपन एरिया है। इंडिया में बहुत सारे किसान ट्रेडिशनल गोट फार्मिंग कर रहे हैं, हाँ ठीक है, जो जिनके क्षेत्र में हैं वहाँ से शुरुआत करते हैं, आपने भी शुरुआत की, तो ऐसा क्या हुआ कि सीधा आप बोर पे आ गए? सर, कोई भी कमर्शियल गोट फार्मिंग जो है उसको सक्सेस होने के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए जी। कोई भी किसान अभी अगर बकरी पालन कर रहा है तो वो 3-4 चीज़ों के लिए बकरी पालन करता है, एक तो मीट के लिए बकरी पालता है, एक तो बकरीद के लिए पालता है, दूसरा दूध के लिए पालता है, तीसरा ब्रीड के लिए पालता है जी। तो ये जो चीज़ें हैं सर, उसमें महत्वपूर्ण ये है कि आप किस बकरी पे काम कर रहे हो। इसमें हमने जब शुरुआत की देसी ब्रीड पे काम करने की, तो हमें ये महसूस हुआ कि देसी ब्रीड में वेडगेन बहुत कम मिल रहा है जी, जितना वेडगेन मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा, उसके हिसाब से खर्चा ज़्यादा हो रहा है और वो लॉस में जा रहा है जी। हमने करीबन 1 साल तक इसके ऊपर पूरा रिसर्च किया, कितना बकरी वेडगेन देती है, कितना बच्चे देती है, कितना खाती है, उस पे ऊपर खर्चा कितना होता है, वो सब कुल मिला के फिर हमने ये सोचा कि अगर बकरी पालन में सक्सेस होना है तो स्टॉल फील्ड गोट फार्मिंग के लिए
ज्यादा वेट गेन देने वाली बकरी चाहिए जी। तो इंडिया में ज्यादा वेट गेन देने वाली बकरी ढूंढी सर, उसके ऊपर काम किया तो हम कंक्लूजन में आए कि जैसे सिरोही वगैरह है वो बकरी ज्यादा वेट गेन देती है जी। तो उसको क्रॉसिंग के लिए अगर बॉयर यूज करते हैं, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वेट गेन बॉयर का मिलता है, साउथ अफ्रीकन फुल ब्लड बॉयर का जी। तो बॉयर का वेट गेन मिलता है इसलिए हमने उसके ऊपर ध्यान देना चालू कर दिया, बॉयर क्रॉसिंग के लिए लेना जी। लेकिन सर दुखद बात ये हो गई हमारे साथ कि इंडिया में उतने क्वालिटी के बॉयर ही नहीं मिल रहे थे। अच्छा। जो भी है वो उसका परफॉर्मेंस बहुत खराब था, मतलब प्योरिटी नहीं थी, परसेंटेज प्योरिटी 100% प्योरिटी नहीं थी। वो परसेंटेज प्योरिटी का तो जाने दो, उसमें देसी के मुकाबले वेट गेन कम आ रहा था, मतलब आपका जो मोटो था वो कम्प्लीट ही नहीं हो पा रहा था। जो बॉयर का बच्चा होता है, जैसे एक महीने का बच्चा है, दो महीने का, तीन महीने का, छः महीने का, एक साल का, अदंत जब तक होता है, वेट गेन किस हिसाब से रहता है इसका? सर ये क्या है, बॉयर की जो फीमेल्स है, जैसे आप ये पीछे फीमेल्स देख रहे हैं जी, ये फीमेल्स बच्चे देती है ट्विंस ट्रिपलेट, दो तीन बच्चे देती है, कभी कभी चार भी देती है। अच्छा। तो इनका बर्थ वेट ही 4 किलो, 3.5, 4 किलो, 5 किलो तक रहता है जी। तो ये बर्थ में अगर 4 किलो का आप समझ के पकड़ के चलिए तो इसको पहले 3 महीने में जी ये करीबन 25 से 30 किलो तक पहुंच जाता, ले जाता है वजन, ले जाता है वजन जी। और जब ये नॉर्मल फीडिंग यानी थोड़ा थोड़ा खाता है और दूध पे रहता है जी, 3 महीने के बाद जैसे हम इनको वीनिंग करते हैं, माँ से अलग करते हैं जी, तो ये फिर डेवलप होना चालू हो जाते हैं। तो करीबन अदंत पे जैसे आप समझ के चलो कि 1 साल के अंदर ये फीमेल रहेगी तो 60-70-80 किलो पे जाएगी। अच्छा। और मेल रहेगा तो 80-90-100 किलो तक अदंत जाएगी। सर ये तो आपने अदंत का वेट गेन बताया। हाँ। जैसे बड़ा बकरा और बड़ी बकरी है कहाँ तक वेट चला जाता है बॉयर में? जैसे ये हम उसको मैच्योर बोलते हैं, मैच्योर गोट जो है बकरी जो जैसे 2 दांत 4 दांत पे हो गई बॉयर की जी, तो वो करीबन 100 किलो से 125 किलो तक की जाती है फीमेल। हाँ। ये आप पीछे देख सकते हो ये उस वजन की बकरिया है जी, जो करीबन 120-125 किलो तक की है जी, ये मैच्योर बकरिया है जी। और मैच्योर मेल जो है जैसे 4 दांत 6 दांत वाला बकरा है वो जाता है 140-150 किलो पे हो जाता है, हो जाता है आराम से हो जाता जी। है जी। अच्छा सर इतनी जो वजन लेती हैं इनके लिए क्या खिलाते हैं, कौन सा फोडर और कौन सा फीड आप या कंसनट्रेट आप इस्तेमाल करते हैं इनको इस वेट तक ले जाने के लिए? बेसिकली क्या है सर, इनको हम लोग सुबह देते हैं कॉन्सेंट्रेट जी, मक्का और कॉन्सेंट्रेट फीड। कॉन्सेंट्रेट फीड हमने हमारा फॉर्मुलेशन से बनाया है जिसमें करीबन 20% प्रोटीन रहता है, फाइबर रहता है, क्रूड एनर्जी रहता है टोटल जी, TDN वो ज़्यादा अच्छा रहता है जिससे कि वो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो, उसमें मिनरल्स विटामिन रहते हैं, सप्लीमेंट पूरे दिए गए हैं जी। वो फीड हम इन बकरियों को सुबह सुबह देते हैं, अपना खुद का बनाते हैं आप? खुद का बनाते हैं जी। और उसके बाद में इनको पहला जो खाना आता है वो ड्राई फोडर आता है जी। जब बकरी पहली बार खाना खाती है तो वो ज़्यादा खाती है, और ड्राई रहेगा तो वो ज़्यादा इंटेक होता है जिससे उसका रूमिनेशन अच्छा होता है जी। तो वो सुबह उसको ड्राई फोडर देते हैं, वो एग्रीवेस्ट आता है जैसे तूर या दूसरा जो एग्रीवेस्ट निकलता है जी, चने वगैरह का एग्रीवेस्ट जो उसको हम भूसा बोलते हैं, वो खिलाते हैं जैसे पंजाब वगैरह में गेहूँ के भूसा आता है वो। हाँ। तो वो खिलाते हैं सुबह के पहले खाने में जी। उसके बाद में दोपहर में 2 बजे उनको हरा चारा मिलता है जी, हरा चारा उनको पेट भर के दिया जाता है जी। वो हरा चारा हम उसमें देते हैं, तूती आता है, शहतूत बोलते हैं तूती को, तूती मलबेरी बोलते हैं जी, वही वही वो आता है जो रेशम के लिए यूज जी, होता जी, है बिल्कुल तूती आता है। उसके बाद में हेग्स लूसन आता है, लूसन आता है, हदगा आता है, उसके बाद में नेपियर है, 2-3 अलग अलग वैरायटी के 4G बुलेट है, रेड नेपियर है जी, वो हमको सफिशिएंट खाना दे देते हैं ठीक, जिससे कि उनको सब मिनरल्स की जो कमी है वो सब अलग अलग चारे से मिल जाती है जी। तो वो स्टमक फीलिंग का भी काम करती है और उनको वजन बढ़ाने के लिए भी काम करती जी। है तो इस ये 2 ही खाने देते हैं हम दिन में जी, वो सफिशिएंट हो जाता है उनके लिए जी। लेकिन ये मैं एक मजे की खास बात आपको बताता हूँ जी, बकरी पालन में इधर अलग बकरियों को आप बहुत सारा खिलाते हैं लेकिन ये ब्रीड की एक स्पेशलिटी ये है, इसको आप किसी भी टाइप का खाना दो, इसका FCR इतना बढ़िया है कि वो उसका जो भी खाना है उसको मीट में कन्वर्ट बहुत अच्छे तरीके से करता है जी। इसीलिए फुल ब्लड बॉयर का वेट गेन अच्छा है और वो ज़्यादा मांस प्रोड्यूस करता है, ये स्पेशलिटी है फुल ब्लड साउथ अफ्रीकन बॉयर की जी, जो कि इंडियन ब्रीड में नहीं है। सर आप इतना बड़ा फार्म चला रहे हैं, लेबर को या आपके पास हेल्पर कितने हैं जो इसको मैनेज करते हैं? सर ये फार्म के लिए हम करीबन 4 या 5 लेबर रखते हैं जी,
जिसमें ये सुबह झाड़ू लगाना है, खाना डालना है, कुट्टी करना है, फार्म कल्टीवेशन है, फार्म से चारा कट करके लाना है, उसको चॉपिंग करना है, डालना है। उसके बाद में मैं और मेरी वाइफ दोनों असिस्ट करते हैं। कोई भी मेडिकल सपोर्ट हो, कोई भी बकरी अगर छोटा मोटा बीमार हो तो उसके लिए हम खुद ही ट्रीटमेंट करते हैं। पहले हम डॉक्टर रखते थे लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है, और जैसे हमने खुद महसूस किया कि हम खुद ही सीख जाए तो हम बहुत बढ़िया डॉक्टर बन सकते हैं, तो हम खुद ही ट्रीटमेंट करते हैं। वैसे तो ज़्यादा बीमारी फुल ब्रिड साउथ अफ्रीकन बॉयर में आती नहीं है। इसकी ब्रीड की स्पेशलिटी यह है कि ये बहुत रेजिस्टिव ब्रीड है जी, हर मौसम में खुद को बहुत तरीके से संभालती है, वो कभी बीमार नहीं पड़ेगी। कितना भी बीमार अगर अंदर से कुछ भी हो तो देसी बकरी खाना छोड़ देती है, लेकिन ये बकरी खाना छोड़ती नहीं है जी। और यही है कि ये रेजिस्टिव पावर इसका बहुत बढ़िया है। वैक्सीनेशन करते हैं आप इनकी? वैक्सीनेशन करते हैं, साल में 2 वैक्सीन ईटी की होती है जी, और 1 PPR की होती है 2.5-3 साल के अंदर जी, और उसके बाद FMD की साल में 1 बार होती है जी। ये 2-3 वैक्सीन हम करते हैं। उसके बाद में हर 4 महीने बाद डीवॉर्मिंग होता है जी। बच्चे जैसे पैदा होते हैं तो 15-20 दिन पे एक उनका पहला डीवॉर्मिंग होता है, फिर ईटी का डोज होता है, फिर वो कंटिन्यू होते जाता है एज पर शेड्यूल जी। सर ये आपका ब्रीडिंग मॉडल है ठीक है? बराबर ब्रीडिंग मॉडल है, तो जो सरप्लस में होंगे आप उसको सेल भी करते होंगे? देखिए सर, ब्रीडिंग मॉडल है तो सब तो नहीं रख सकते, कस्टमर का जैसे डिमांड आता है उस हिसाब से उनको देना भी पड़ता है। जैसे आप आए और आपने बोला कि सर ये बकरी मेरे को पसंद है, आप देंगे क्या जी? तो कभी कभी देना भी पड़ता है। हमारे यहाँ पे करीबन हर साल 100 से 125 किड्स प्रोड्यूस होते हैं जी, उसमें ज़्यादातर बच्चे जो मेल है वो क्रॉस ब्रीडिंग के लिए जाते हैं जी। जो बंदा या जो फार्मर मीट पर्पज़ के लिए देसी ब्रीड संभाल रहा है उससे मेरी ये एक रिक्वेस्ट है कि आप क्रॉस ब्रीडिंग के लिए फुल ब्रिड बॉयर ले जी, एक बार आप लेके देखो, आपके फार्म का पूरा नक्शा ये फुल ब्लड साउथ अफ्रीकन बॉयर बदल देगा जी। आपका लॉस में जा रहा है, वेडियन नहीं मिल रहा है, बढ़िया नहीं मिल रहा है, बच्चे बीमार पड़े, सब दूर हो जाएगा सर। एक मेल बदलने से, क्रॉस ब्रीडिंग से आपको पूरा उसका मतलब फार्म को बूस्टअप मिलेगा, बूस्टअप मिलेगा जी। सर जो आप सेल करते हैं किस एज ग्रुप के सेल करते हैं आप? सर जनरली मैं लोगों को बहुत बार समझाता हूँ, लोग हमारे पास आते हैं, पर्टिकुलर ये पॉइंट मैं हमारे दर्शकों के लिए बताना चाहूँगा। बहुत बार लोग क्या करते हैं, बहुत छोटे बच्चे का डिमांड करते हैं जी, उनको लगता है कि छोटा बच्चा लिया तो कम प्राइस में सस्ता मिल जाएगा, सस्ता मिल जाएगा, लेकिन वो वही गलती कर देते हैं सर जी। सबसे बड़ी क्या होता है, छोटा बच्चा आगे जाके क्या बनने वाला है वो पता नहीं चलता, कैरेक्टर नहीं आते, कैरेक्टर नहीं आते। तो हम लोग ये बिलीव करते हैं कि कोई भी ब्रीडिंग का मेल अगर बेचना है तो उसको कम से कम 7-8 महीने 10 महीने के बाद ही बेचना चाहिए, या कस्टमर ने वो ही एज में खरीदना चाहिए जी। तो उसको कैरेक्टर भी पसंद आता है, वो दिखता है, उसके हिसाब से उसका पैसा भी आता है कि क्या बनेगा, क्या बनेगा जी। और फीमेल अगर लेनी है तो 6 से 8 महीने के बीच की फीमेल हम सेल करते हैं जी, जिससे कि कस्टमर को आगे जाके तुरंत उसका रिटर्न मिले जी। और ये जो बच्चे हम सेल करते हैं वो हम मेल जो है वो प्राइसिंग हमारा है 1.5 से 2 लाख-3 लाख के बीच में मेल का प्राइस जाता है, एज पर क्वालिटी, एज पर क्वालिटी सिलेक्शन जी। जैसे कैसा है, अगर 50 बच्चे तो सब एक जैसे नहीं होते हाँ, तो उसके हिसाब से प्राइस भी एक जैसा नहीं है। 4 भाई भी होंगे वो भी सबका वजन हाँ, और हाइट एक जैसी नहीं होती, अलग अलग होती है हाँ। और बकरी जो है वो हम 3 लाख रुपये से 5 लाख रुपये के बीच में बेचते हैं जी। एवरेज वेट क्या होता है और एज क्या होती है उसकी? 50 से 60 किलो जी मेल का जी, और ये 7 से 8 महीने का जाएगा जी। और बकरी का जो है वो 40 से 50 किलो की जाती है जी, 6 से 7 महीने की जी। बच्चा आपने ये लिया हुआ है हाँ, इसका बर्थ वेट क्या था, ये मेल है फीमेल है, और क्या करेक्टर निकलेंगे इस बच्चे के? आप तो पालते हैं, आपको आइडिया होगा इसका। सर ये फीमेल बच्चा है ट्विंस बर्थ में जी, और इसका बर्थ वेट था 4.5 किलो जी, 4.5 के करीब जी। और ये अभी काफ़ी अच्छा बना है जी, इसकी बहन भी है अभी यहाँ पे, ट्विंस फीमेल बर्थ में था जी जी। तो ये काफ़ी बढ़िया तगड़ा बच्चा बना है। कितने दिन का बच्चा है ये? सर ये 20 दिन का बच्चा है, 20 दिन का है। भविष्य में क्या इसका स्कोप है? आज की तारीख में सर इंडिया में जिस तरह से बकरी पालन में बकरियों की कमी होती जा रही है, फ्यूचर इसका बॉयर का जो है वो ब्रीडिंग में बहुत ही बढ़िया है जी। मैं ये नए जो कोई भी फार्म कर रहा है उनको ये एक सलाह देना चाहूँगा कि कोई भी नस्ल की बकरी आप पालो जी, उसको क्रॉस ब्रीडिंग के लिए आप बॉयर लो जी। तो बॉयर क्रॉस ब्रीडिंग के लिए लेंगे आप तो आपको बढ़िया वेडियन मिलेगा, और आज की तारीख में इंडिया में जितने बॉयर अवेलेबल है फुल ब्लड उनमें से सबसे बढ़िया हमारे फार्म पे है जी। कोई भी ब्रीडिंग मेल लेके स्टार्ट करो आप, आपको 1 से नंबर 1 क्वालिटी का रिजल्ट मिलेगा इसमें जी। बहुत ही बढ़िया बॉयर का रिजल्ट है, और फ्यूचर
बोयर में बहुत ही तगड़ा है। अच्छा सर, मैं देख रहा हूँ आपने यहाँ पर एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट की हुई है, कितना पैसा लगा रखा आपने यहाँ पर? सर, जब फार्म पहले बार बनाया था उस टाइम हमने करीबन 30-35 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया था फार्म को 2013 में बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जी। उसके बाद में कुछ देसी ब्रीड जो हमने खरीदी थी वो 30-40 लाख रुपए की थी जी, और रेयरिंग कॉस्ट सर हमें पहला आया था पहले 1-1.5 साल तक करीबन 30-40 लाख रुपया जी। लेकिन जब हमने 2015 में ये सब ब्रीड बेची जी, तो हमारा पूरा खर्चा निकल गया, रेयरिंग कॉस्ट निकल गई और हम नॉर्मल पोजीशन पे आ गए, मतलब एक लेवल पे थे, प्रॉफिट नहीं था, प्रॉफिट नहीं था, कम था जी। तो उसके बाद में जब हमें अफ्रीकन बॉयर चालू किया तब से प्रॉफिट आना चालू हो गया जी। यस, तो सर प्रॉफिट पे ही आ जाते हैं। साल भर का आपका, देखो आप खर्चा भी अच्छा खासा होता है यहाँ पे, कितना खर्चा होता है और इसमें साल भर में आप क्या प्रॉफिट आता, क्या टर्नओवर रहती है आपकी? सर ये तो ग्रेजुअली बढ़ता गया मेरा 2017 से थोड़ा थोड़ा। अभी पिछले साल में हमने करीबन 100 के करीब बच्चे बेचे हैं जी, तो हमारा टर्नओवर करीबन 1.5 करोड़ तक हो जाता है जी, और लगभग 25-1 लाख रुपये खर्चा आ जाता है मोटा मोटी, तो आप पकड़ के चलो 1-1.25 करोड़ तक हमारा प्रॉफिट हो जाता है। प्रॉफिट होता है। दोस्तों, लक्ष्मण जी ने 10 साल पहले अपना ये फार्म जो ट्रेडिशनल ब्रीड है उससे शुरू किया था, इन्हें कुछ समय करने के बाद लगा कि प्रॉफिट नहीं आ रहा और वेट गेन नहीं हो रहा है, इसके लिए इन्होंने अच्छी तरह से R&D की और ये फुल ब्लड लाइन अफ्रीकन बोर गोट पर आए और ये उसे चला रहे हैं। इन्होंने अपने एक्सपीरियंस 10 साल के क्या रहे, किस तरह से इन्होंने अपने फार्म को डेवलप किया, वो सारे आपके साथ साझा किए और मैं समझता हूं कि इनके द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत मदद देके जाएगी। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।